नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मनोहर लाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर बधाई देने पहुंचे थे। वहीं प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच सरकार के अब तक के कामकाज और भविष्य के रोडमैप सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक माहौल, किसान आंदोलन पर भी चर्चा की गई। काफ़ी समय से प्रधानमंत्री जी से मिलना नहीं हुआ था, तो जितने भी हमारे न्यू इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री जी को समय समय पर हम अवगत कराते रहते हैं। इस बार भी अभी जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत है, जैसे हमने अभी अभी ऑटो अपील एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है राइट टू सर्विस कमीशन में, तो उस प्रकार के जितने भी विषय हैं उन सब विषयों के ऊपर बातचीत की और बहुत उन्होंने इंटरेस्ट से उन चीज़ों को सुना भी और कुछ बातें उन्होंने पूछी भी। जितने कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं उनकी सफलता के बारे में उनको बताया और अंत में मैंने उनको हरियाणा आने का निमंत्रण दिया है। हमारा जो रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर जो KMP के साथ साथ बनने वाला है, 5,600 करोड़ रुपये की लागत का वो बनेगा, उसकी सब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई है, रेलवे से उसका क्लियरेंस हो गई है, उसके शिलान्यास के लिए उनको निमंत्रण दिया है, तो वो शिलान्यास का स्थान उन्होंने पूछा है, तो हमने उनको कहा पलवल भी हो सकता है, मालेश्वर भी हो सकता है, जहाँ जहाँ से रेलवे कॉरिडोर का जो रास्ता है उसमें कहीं भी किसी भी स्थान पर वो करने के लिए आएंगे तो हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय होगा, बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होगा। तो इस प्रकार इन सब विषयों के ऊपर चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की परिस्थिति के बारे में उन्होंने पूछा है सर, तो क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है, उनको करनाल की घटना उसकी भी जानकारी मैंने दी और किसान आंदोलन के बारे में भी जो जो बातें हैं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रास्ता खोलने के लिए हमको निर्देश दिए हैं उस पर भी चर्चा हुई है, उसकी बैठकें हमारी चल रही हैं, वो सारी जानकारी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।